अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएई के मुत्तहिदा अरब इमारात के पाकिस्तानियों के लिए वीजे के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से एक छोटी सी अपडेट थी, तो मैंने सोचा आप दोस्तों से शेयर करूं, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है यूएई जहां हमारे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। तो विजिट वीजा के हवाले से एक छोटी सी अपडेट थी, डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है, पॉलिसीज में उनकी चेंजिंग आई है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और चेंजिंग जो मेन चेंजिंग है सबसे ज्यादा ये है कि पहले यूएई के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती थी, मतलब आप सिर्फ पासपोर्ट और फोटोग्राफ भेजते थे और बहुत ही सिंपल सा पहले प्रोसीजर था। तो अब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट की भी शर्त रख दी है, और कोविड की वजह से वो शर्त तो है ही कि जब आपकी फ्लाइट होगी उससे पहले आपको जो टेस्ट है कराना है, कोविड का, कोरोना का आपको टेस्ट कराना है, कोविड-19 का, और वो टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, और कोशिश करें वो कम से कम आपकी फ्लाइट से 24 घंटे पहले का हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि फ्लाइट डिले हो जाती है या कैंसिल हो जाती है। तो कोशिश करें 24 घंटे एक दिन पहले का आपके पास टेस्ट की रिपोर्ट हो जो कि नेगेटिव हो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि अब यूएई अगर आपने विजिट वीजे पे जाना है तो आपको एक अहम डॉक्यूमेंट जो कि बैंक स्टेटमेंट है वो भी देनी पड़ेगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे जो डॉक्यूमेंट्स अब चाहिए वो जो उसका जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अगर आप पॉज करके इस वीडियो को एंड में देखेंगे तो वो बेहतर, आप उसको समझ भी जाएंगे। बहरहाल अब अगर आपने यूएई जाना है तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।